14 सितंबर 2020 को हाथरस में एक दलित लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला जैसे ही उजागर हुआ मानो हंगामा मच गया। सोशल मीडिया से लेकर विरोधी पार्टियों ने योगी सरकार पर हमला शुरू कर दिया। बड़े बड़े दिग्गज नेता हाथरस पहुंचने लगे। पुलिस ने एक्शन लेते हुए गांव के संदीप, रामू, लवकुश, रवि को आरोपी बनाया। मामले में जांच हुई और चार्जशीट दाखिल की गई। अब इस बहुचर्चित मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। SC ST कोर्ट ने इस मामले में 4 में से 3 आरोपियों को बरी कर दिया है, जबकि एक आरोपी संदीप को दोषी करार दिया है। आरोप है कि 14 सितंबर 2020 को दलित लड़की का कुछ युवकों ने गैंगरेप किया था। इसके बाद उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 29 सितंबर को इलाज के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया। SC ST कोर्ट ने 3 आरोपियों लवकुश, रामू और रवि को बरी कर दिया है। संदीप को कोर्ट ने IPC की धारा 3/110 और 304 के तहत दोषी माना है। वही इस मामले में 376 यानी गैंगरेप का कोई जिक्र फिलहाल नहीं हुआ है। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार खुश नहीं है। पीड़ित परिवार के वकील का कहना है कि इस फैसले को चुनौती देने के लिए वो हाई कोर्ट तक जाएंगे। सर, 3 लोगों को रिहा कर दिया है, और एक संदीप है उसे दोषी माना है। जी जी, किस चीज़ का दोषी माना गया उसे? और दोषी जो दोष के वो है उस पर सुनेंगे 2 बजे। अच्छा, हाँ, केवल एक मुलजिम को दोषी माना है बस। किस मामले का दोषी माना है? 3/110 में माना है और 304 में माना है। तो 376 का जो मुकदमा था उसमें रेप सिद्ध नहीं हुआ है। अब अगला कदम क्या होगा? लड़की पक्ष से, लड़की पक्ष से हैं हम, जो अपराधी तरफ से हैं, तो अब हम हाईकोर्ट के लिए करेंगे अपनी प्रक्रिया जो भी है। जो कोर्ट से फैसला आया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है, आगे अपील करेंगे। इस मामले में लवकुश की माँ का कहना है कि वो कोर्ट के इस फैसले से खुश है और मानती है कि चारों आरोपी निर्दोष हैं। कोर्ट का फैसला आया है, क्या कहेंगी आप इस पर? क्या कहेंगे, वो तो बढ़िया है, जो कोर्ट ने फैसला लो बढ़िया लो, बढ़िया बात है। चारों वाले का निर्दोष है, चारों को आपने तो बचा भी किया था, पानी भी पिलाया था। पानी भी पिलाया था आपने। कोर्ट के फैसले से कितना संतुष्ट हैं आप? आपको बता दें कि हाथरस कांड के बाद इलाज के दौरान पीड़िता ने संदीप, रामू, लवकुश और रवि पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। इसके आधार पर पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में यूपी पुलिस पर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे। आरोप था कि पुलिस ने परिवार को बिना बताए युवती का अंतिम संस्कार कर दिया था। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस ने पोस्टमार्टम के आधार पर दावा किया था कि पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं हुआ। यूपी पुलिस के इस बयान के बाद कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार भी लगाई थी। इस मामले में योगी सरकार ने SIT भी बनाई थी, लेकिन अब इस मामले में ये बड़ा फैसला सामने आया है। हाथरस से राजेश सिंघल की रिपोर्ट, यूपी तक।